गुड मॉर्निंग बीकॉम थर्ड ईयर, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। ओके, इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, व्यापार में व्यवसाय में क्या डिफरेंस होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या जरूरत होती है, नीड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे importance of international trade, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो पॉइंट है अपना कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी देश है वो इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा वो वस्तुएं बनाता है जिसके लिए उसका स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि कोई एक देश है जैसे चाइना है, वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, ठीक है, और एग्रीकल्चर गुड्स को बनाने में सक्षम नहीं है। ओके, तो उस इंटरनेशनल व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उसके लिए क्या फ़ायदा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, उन्हें एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरे देश में, तथा जो गुड्स उसके यहाँ नहीं बन सकते उन्हें वो इंपोर्ट कर सकता है दूसरे देश से। तो ये इसलिए किस वजह से पॉसिबल हो पाया, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ओके, तो इसे बोलते हैं अपन कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके, मतलब जो देश, जो चीज़ हमारे देश में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन सकती है हम उसे निर्माण उसका निर्माण करें, और जो नहीं बन सकती है उसे हम बाहर से मंगवा लें। ठीक है, तो पहला महत्व है फॉर द कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ। ओके, सेकंड वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होगा, जो भी देश है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, ज्यादा उत्पादन, ठीक है, उस देश की कुछ घरेलू मांगे भी होगी। ठीक है, अब उसको इतना उत्पादन करना है कि वो घरेलू मांगे पूरी करके और जो बचा हुआ उत्पाद है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सके। ओके, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल को अपने बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है किसी भी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो काम पहुँचता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिससे उसकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है जनरेटिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द कंट्री। ठीक है, उस कंट्री का तो प्रोडक्शन लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, तीसरा है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ती है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, बहुत सारी कंपनीज एक देश में आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट की 100 कंपनियाँ हो जाती है। ठीक है, इसलिए इससे क्या होता है उन कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इससे किसको फायदा होगा, जो सप्लायर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनको कम कीमत में अच्छा माल उपलब्ध हो पाएगा, कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के गुड्स उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक महत्व है, प्रतिस्पर्धा को जन्म देना। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, जैसे जापान ने क्या दी भारत को, बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी दी। ओके, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि जापान और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रिश्ते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक देश अपनी यहाँ जो टेक्नोलॉजी है जो दूसरे देश में नहीं है उसको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है। जनरली कैसा किस में होता है, जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो अपने देश की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको डेवलपिंग नेशंस को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो भी आगे ग्रो कर सके। ओके, सो दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज मोर जॉब क्रिएशन, ज़्यादा नौकरियाँ उत्पन्न करना। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां उत्पन्न होगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक और महत्व क्या है,
नौकरियां उत्पन्न करना। इसलिए क्या है कि जो भी ट्रेडिंग नेशंस है जैसे जापान, यूएसए, यूके, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से नौकरियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, ओके। इसके मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में नोट्स दे दूंगा, ओके, थैंक यू।